हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर उषा चहल। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स में व्यक्ति का अर्थ समझेंगे। पर्सन अंडर सेक्शन 231, व्यक्ति में इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन शामिल है। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल मीन्स ए नेचुरल पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, चाहे मेल हो या फीमेल, मेजर हो या माइनर चाइल्ड, या लुनेटिक पर्सन भी हो सकते हैं। लुनेटिक मीन्स जिस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक ना हो और वो कोई भी डिसीजन ना ले सके। सेकंड पॉइंट आता है हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली। एचयू मीन्स जिस परिवार के सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज हो, दैट इज लीनियली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, सिवाय उनके जो फैमिली की प्रॉपर्टी का पार्टीशन होने के बाद ज्वाइंट फैमिली से अलग हो गए हो। इनमें इनकी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स भी शामिल होती हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति को फैमिली अडॉप्ट कर लेती है तो वह मेंबर जो कि पहले स्ट्रेंजर था, अब अडॉप्शन के बाद फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। एचयू में मेंबर्स को पार्टनर्स कहते हैं और इन मेंबर्स के पास वो सभी राइट्स होते हैं कि वे जब चाहे फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी में से पार्टीशन के वक्त अपना हिस्सा मांग सकते हैं। परिवार का सबसे बड़ा या सीनियर मोस्ट मेंबर जो कि घर में सबसे बड़ा है, वो हेड ऑफ द फैमिली कहलाता है। परिवार के मुखिया को कर्ता या मैनेजर कहते हैं। इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए परिवार के बिहाफ पर कर्ता ही वह व्यक्ति है जो कि असेसिबल है, यानी फैमिली की टोटल इनकम पर टैक्स आदि यदि बनता है तो कर्ता के नाम पर ही उस टैक्स को कैलकुलेट एंड पे किया जाएगा। इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए फैमिली में कम से कम दो मेंबर्स और कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पूर्वजों से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अब ये कम से कम दो मेंबर्स हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, दो ब्रदर्स हो सकते हैं, माँ बेटा या पिता बेटे बेटियां हो सकती हैं जिनके पूर्वज सेम हो। मेंबर्स में वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स हो सकती हैं क्योंकि वो अब इस परिवार का हिस्सा है। वाइफ मैरिज की वजह से और बेटी परिवार में जन्म लेने की वजह से परिवार का हिस्सा है। सिर्फ भाई भाई मिलकर भी एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं। वीडोज भी एचयूएफ को फॉर्म और कंटिन्यू कर सकती हैं। ये संबंध हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न होते हैं, जिनके मुताबिक हिंदू लॉ में दो स्कूल हैं, मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभागा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंगली जैसे ही परिवार में पुत्र का जन्म होता है वो अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म से ही हकदार बन जाता है। ये नियम पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन बंगाल, असम एंड उड़ीसा के कुछ हिस्सों में को छोड़कर। दूसरी ओर दयाभागा स्कूल के अकॉर्डिंगली पुत्र को केवल और केवल अपने पिता की मृत्यु के बाद ही पिता और पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ये नियम बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लागू होता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लागू होने की डेट यानी 9 सितंबर 2005 जिस एचयूएफ पर मिताक्षरा नियम लागू होता है, इस अमेंडमेंट में बेटियों के संबंध में कुछ नए प्रावधान लागू किए गए हैं। जैसे कि एचयूएफ में बेटी का जन्म होगा उसे भी पिता और उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी में वही राइट्स मिलेंगे जो एक पुत्र को मिलते हैं। इसी प्रकार बेटी को भी पुत्र की तरह वो सभी राइट्स और लायबिलिटीज होंगी। बेटी भी बेटे जैसे उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांग कर सकती है। कंपनी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या किसी अन्य एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। कंपनी की एक अपनी खुद की लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीड होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अकॉर्डिंगली एक कंपनी इंडियन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जो कि फॉरेन कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट हुई हो। कोई कंपनी या कॉर्पोरेट कोई इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन वो इंडियन है या नहीं, ये सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि इंडिया की सुप्रीम अथॉरिटी टैक्स अथॉरिटी है उसके द्वारा दर्जा दिया जाता है। ये दर्जा जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके भी दिया जा सकता है।
तो यदि इनको ऐसी संस्था को ये दर्जा प्राप्त होता है तो उसे कंपनी माना जाएगा। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सब कंपनी के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्म। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, जो कि पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड है। ये एक एंटिटी है और दो या दो से अधिक पर्सन के द्वारा एग्रीमेंट के बाद एग्जिस्टेंस में आती है। ये पर्सन आपस में समझौता करते हैं कि वे बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉसेस को आपस में शेयर करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली एक फर्म की अपनी खुद की सेपरेट एंटिटी है और ये दो प्रकार की होती है। पॉइंट ए, ए फर्म विच फुलफिल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 184, दैट इज सेक्शन 184 में दी गई प्रोविजंस या शर्तों को यदि फर्म पूरा करती है। बी पॉइंट है कि यदि फर्म सेक्शन 184 की शर्तों को पूरा नहीं करती। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यदि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंगली गठित होती है तो उसे फर्म का दर्जा प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपीज मींस जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कॉमन पर्पस से ज्वाइंट एंटरप्राइज को चलाएं, लेकिन बिना पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किए और इनकम अर्न करें, उसे एओपीज कहेंगे। एओपीज में इंडिविजुअल चाहे मेल या फीमेल, मेजर और माइनर हो सकते हैं। एक फर्म या कोई अन्य एसोसिएशन या एक या दो से अधिक कंपनीज भी एओपीज फॉर्म कर सकती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एओपी दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स मिलकर भी एओपी फॉर्म कर सकते हैं। एक एओपी की स्थापना एक या दो या इससे ज्यादा फर्म्स के द्वारा भी हो सकती है, या एओपी इंडिविजुअल फर्म्स कंपनीज द्वारा मिलकर भी स्थापित की जा सकती है, जैसे मार्कफेड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नेफेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की स्थापना सिर्फ इंडिविजुअल्स के द्वारा ही की जा सकती है। दो या दो से अधिक इंडिविजुअल चाहे मेल हो फीमेल हो मिलकर इसे फॉर्म कर सकते हैं और इनकम अर्न कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की स्थापना में केवल नेचुरल ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फर्म, एओपी या कंपनीज इसके सदस्य नहीं हो सकते, केवल नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के सदस्य हो सकते हैं। दिस इज अ मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता। एक लोकल अथॉरिटी में नगर पालिका, नगर महापालिक, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट एट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, दैट इज एक पब्लिक कॉर्पोरेशन जो कि लेजिस्लेशन के स्पेशल एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है, इसकी खुद की एक अपनी वैधानिक पर्सनैलिटी है, उसे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विश्वविद्यालय, मूर्ति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। असाइनमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है या पर्सन की का मीनिंग है, तो इसमें शॉर्ट नोट्स ही बनेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पर्सन इन इनकम टैक्स? डिफरेंशिएट बिटवीन एओपी एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हु इज ए कोपार्टनर? व्हाट डू यू मीन बाय एचयूएफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। पढ़िए और मुश्किलों को दूर कीजिए। थैंक यू।